के उसको दबाया जाता है, उसकी योग्यता वहां रुक जाती है। फिर बचते दो है, वो दिल्ली जाते हैं। दिल्ली जाते हैं तब टिकटें बनती है, बड़ी नगर सेवक हो या पंचायत समिति सदस्य हो, जिला परिषद हो या एमएलए हो, एमपी हो, कि दो कैंडिडेट रहे हैं। तो ऊपर बैठे नेता संगठन सिस्टम यह देखता है कि हाँ यार हमेशा घूम रहे हैं, ये सक्रिय है, इनको अभी मौका देना चाहिए। जिसमें एक को इकोनॉमी तकलीफ होती है कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, 2 करोड़ नहीं, 50 लाख, जैसी जो स्थिति है, फिर दोनों में से एक फिल्टर होता है। तब वो दो जो पीछे रह गए, वो राइवल थे, उनको एक तो फैमिली के टॉर्चर से पीछे रह गया, एक घर की जिम्मेदारी से पीछे रह गया। तो मैं कहना चाहता हूं, अपनी भली बेटियां है, बेटा है, उनको न तो इस काम में रोकना चाहिए और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। तो वो दो गए, उनके साथ में 4 खड़े रहेंगे तो ठीक है, एक एमएलए बनेगा तो दूसरा महापौर तो बनेगा, नगर सेवक तो बनेगा। इसलिए सबको हिम्मत देनी चाहिए और प्रोत्साहन देना चाहिए कि मैं पार नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं यार, तू तो दौड़, तू पार नहीं पड़ा तो क्या, उस मोहल्ले में वो है वो तो दौड़। इसको नियम को जो लागू रखते हैं वो पॉलिटिक्स में पार पड़ते हैं। मैं 52-53 एज में रनिंग में हूं, 17 साल की एज में राजनीति में आया, अभी तक मैं कहता हूं मैं एमएलए नहीं बन पाया, मगर आज एमएलए से भी ज्यादा पावर रखते हैं। कोई काम होता है, बोले आज बीजेपी के हमारे राजस्थान गवर्नमेंट में एक फोन होता है, काम होता है, कांग्रेसी गवर्नमेंट है तो हमारी गवर्नमेंट है, कोई चिंता नहीं। मगर ये निरंतर चलने से और घर वाले हिम्मत नहीं तोड़ते थे, मुझे 20 साल में याद नहीं आता कि मैं शाम का खाना कभी घर पर खाया होगा। या मजाक की बात करता हूं, ये शाम का खाना है वही कमाई है कि रैली कहीं ना कहीं रहते हैं और गांव से हम लोग 6 बजे निकलते हैं, पूरी कार की टंकी फूल के रात को 12-1 बजे आते हैं। तो कोई जाके गांव में लोग जल्दी उठते हैं, अपने बंबई जैसा नहीं 10 बजे बहुत फोन चालू करने वाले, तो पूछते हैं भाई खेत सिंह कहाँ है, कि साहब अब तो कल तो 6:30 बजे आना, वो रात को 12 बजे। एक तो निरंतर आप लोगों से जुड़े रहेंगे और लोगों के काम करेंगे, अपना खुद का स्वार्थ छोड़ेंगे तो अपने को पार्टी मौका देती ही है, भली वो कोई भी दल हुए, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूं कि कुछ को आपको बताना है, इसलिए मैं शॉर्ट में बताया। धन्यवाद सर।